अबे इधर तू लंबा ऐसे भाई आप भी जवाब देना। वेलकम हो गया जी नए व्लॉग में। आज ईद का तीसरा दिन है और जुम्मे का दिन है, जुम्मतुल मुबारक है, और हम जा रहे हैं मैच खेलने। और भाई का डेब्यू आज कराची डॉल्फिन में, फ्रॉम कराची गुलशन अदीद से प्लेयर है हमारे, तो जिन्हें जुगनू भाई की टीम, नवीद भाई की टीम में आज डेब्यू है भाई का। तो कोशिश करेंगे भाई को ब्लैक कैप पहनाएं जो कि उन्होंने पहले पहन ली है। बिल्कुल, इस वक्त हम जुड़के हैं जी बकाले पे। मे बी वी वांट समथिंग ब्रेकफास्ट, यू नो, वी डिड नॉट बन कबाब, वी डिड नॉट स्लीप पूरी नाइट, ऑल नाइट पबजी, अभी जा रहे हैं हम, बस थोड़ा गाड़ी में पानी डालेंगे और निकलेंगे ग्राउंड के लिए। और इंशाल्लाह आज का व्लॉग पूरा बनाएंगे, आज मैच का पूरा व्लॉग बनाएंगे। आज मेरी बॉलिंग की आपने बनानी है वीडियो, मैं बहुत टाइम से ना इंतजार कर रहा था कोई आए पाकिस्तान से मेरी वीडियो बनाने के लिए, तो ये वीडियो बनाने के लिए डेब्यू नहीं है, सॉरी बाद में बात कर। ग्राउंड हम पहुंच चुके हैं, देखिए आप बड़ा खुश हुआ है क्रिकेट के चक्कर में आया। जब तू जाएगा ना, बता रहा हूँ, जब मिड विकेट से तू फाइनल लेग और मिड विकेट से तू थर्ड मैन से तू लॉन्ग ऑन, तब मुझे पता चलेगा। अभी तो गर्मियां भी नहीं आई है, एक ही ग्राउंड में जब पूरी दुनिया घूमेगा ना तो अक्कल आ जाएगी। फील्डिंग नहीं होती ना, क्रिकेट अधूरी है। बस तू करता नहीं हो, ओए तू कराते रहते फील्डिंग। हम मेरी प्रैक्टिस मैच है, क्योंकि टूर्नामेंट जो चल रहा है वो 35 ओवर वाला है फिलहाल, वो जो है ना अगले हफ्ते होगा, आज प्रैक्टिस मैच है। चलिए जी, मैच स्टार्ट होने वाला है। हमारी जो है वो बैटिंग है, ये फील्डिंग टीम है, और ये हमारा डग आउट है। तो जुगनू भाई और रिजवान भाई जाएंगे बैटिंग करने। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी कम ही आ रही होगी ना। तो जी, हमारे बैट्समैन तैयार हैं बैटिंग के लिए, रिजवान भाई, और साथ में है जुगनू भाई। अंपायरिंग का फ़र्ज सर अंजाम देंगे मेरे साथ आयुष्मान और सैफुर रहमान। वाह यार, सैफुर रहमान, आयुष्मान, क्या बात है। तो इस व्लॉग में आपको आज शॉट्स भी देखने को मिलेंगी बैट्समैन की जानिब से खेली गई, और दुआ करें मेरे से कोई गलत फैसला ना हो जाए वरना रास्ते में जो मेरे साथ होगा वो भी देखने को मिलेगा। जुगनू भाई करेंगे फेस पहला बॉल, और वहाँ पर है रिजवान भाई, मानी करेगा अंपायरिंग और मैं करूँगा लेग अंपायरिंग। तो कुछ शॉट्स आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। शॉट दो ओवर 17 रन, पहले ओवर 12, इसमें 5 है। छः ओवर और स्कोर हो गया है 69। पावर प्ले ख़त्म हो गया है अभी, और अभी तक हमारे दोनों ओपनर बैट्समैन क्रीज पे मौजूद हैं, अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहे हैं। पहला खिलाड़ी हमारा आउट हो चुका है, रिजवान भाई 50 रन बना के आउट हो गया। उनकी शर्ट के पीछे भी 50 लिखे हैं, उन्होंने 50 रन किया, उसके बाद जो है वो स्लिप पे आउट हो गए हैं। और अभी जो है नए बैट्समैन आने वाले हैं, वो है आतिफ भाई आए हैं बैटिंग करने, नए जुगनू भाई का साथ देंगे। और तकरीबन हमारा स्कोर भी स्कोर के करीब करीब हो चुका है, अभी 10वां ओवर चल रहा है। इसके ऊपर चढ़ रहा हूँ, यहाँ से 7-12 ओवर और एक खिलाड़ी आउट है। आतिफ भाई बड़ी अच्छी बेहतरीन बैटिंग कर रहे हैं, जुगनू भाई का भरपूर साथ दे रहे हैं, और यहाँ पर इतनी ठंडी हवा चल रही है, आपको दिखाऊं इस कैमरे में मज़ा आ रहा है छाँव में, भाई बैठ के यहाँ से वीडियो बनाता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो आएगी। के साथ स्कोर बना है तकरीबन 225 है ना। मानी भाई जो कि 20 ओवर मुसलसल इन्होंने इंपायरिंग की है, और मैंने भी 20 मार दी, जाके हमने रेस्ट ले लिया था,
बाकी दो बैट्समैन हमारे थे मुजम्मिल और सुभान। हमारी का टाइम है यानी कि फील्डिंग मिलते हैं आपसे। फील्डिंग भाई हमारी फील्डिंग आज के जो है ना विकेट कीपर जो भी है न्यू विकेट कीपर आ गया भाई डेब्यू भी हो गया है। तो मैं आपने हमारे पास सब है अदनान अकमल है वो क्या नाम है बाबर आजम है ये सुहेल तनवीर है और कुछ फकीर है ओ सॉरी कुछ का डेब्यू है सरफराज का फैन माय लव सही है कोच है मैनेजर है कैप्टन है सब हमारे साथ ही। आप बाबर आजम आ रहे हैं सामने देखिए आप तो हमारे पास सब वैरायटी है भाई आजा यार तेरे से टीम की भी हमारी फील्डिंग अब उसका कभी मैंने ख्याल नहीं किया बोर्ड की वीडियो डाल देता हूँ कुछ आप अपने तरफ से कुछ डेब्यू आपका छः ओवर हो चुके और छः ओवर में अगली टीम का स्कोर है तकरीबन 40 के करीब और एक विकेट जो कि आपके भाई ने पहले ओवर में गिरा दी तो 6 ओवर में 40 स्कोर है। अभी भक्ति भाई आए ओवर पे और देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। इंशाल्लाह जीत जाएंगे उनका मेन खिलाड़ी था अच्छा खिलाड़ी था वो जो आउट हो चुका है तो इंशाल्लाह उम्मीद है हम मैच आराम से जीत जाएंगे। 40 रन हुए अभी तक। उज़ैर का डेब्यू है और उज़ैर जो है बॉलिंग करेगा जी पहले मैच में बैटिंग में तो नहीं आई लेकिन बॉलिंग में डेब्यू उज़ैर ने भी अपनी डेब्यू विकेट ले ली भाई ये सूफी पक्का हो गया ये ये उज़ैर भाई ने अपने डेब्यू विकेट लिए भाई बोल्ड कर दिए 5 बोल्ड बाद दे रिजवान बने इसी तरह हम मैच जीत चुके हैं। कराची डॉल्फिन ये मैच जीत चुकी है जिसमें रिजवान भाई की 6 विकेट है। रिजवान भाई वेरी वेल डन 5 बोल्ड और 1 कैच आउट वेरी वेल डन भाई 70-60 ऑल राउंडर परफॉर्मेंस जाती है रिजवान भाई को जिन्होंने 6 विकेट और साथ ही साथ 55 मेरा ख्याल है बॉलर करार पाए एक अच्छा मैच था एक नुमाइशी मैच रखा गया था रमजान के बाद जो हमें गैप था उस गैप को पूरा करने के लिए हमने एक मैच रखा था नुमाइशी मैच जिसमें 2 टीमें मुश्तमिल थी कराची डॉल्फिन्स वर्सेस खान के टाइगर्स और इसी हम इस मैच में फतह हासिल किए कराची डॉल्फिन्स ने और इसके बेस्ट ऑलराउंडर कामयाब पाए 6 आउट और 52 रन रिजवान सैयद रिजवान रिजवान भाई वेल डन। बैट्समैन का अवार्ड मिलेगा 63 रन बेहतरीन शॉट बेहतरीन बैटिंग कराची डॉल्फिन्स के जुगनू बॉलर जुगनू बॉलर ये और इसी के साथ अब रनर अप टीम रही खान के टाइगर्स और खान के टाइगर्स को देंगे ट्रॉफी जुगनू भाई क्या भाई वेल प्लेड भाई वेल प्लेड बहुत अच्छा टच टाइम की माशाल्लाह बैटिंग भी अच्छी की यार जबरदस्त गले में घंटी बांध दी गई है जनाब देर आए दुरुस्त आए कराची डॉल्फिन्स के जुगनू भाई ये चलो आ जाओ भाई सारे आ जाओ पानी जल्दी पैसा आ जाओ यार आओ नहीं इधर आओ ना। इसी के साथ लोग करते हैं एंड अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज़ नासिर।